हेलो फ्रेंड्स, कैसन वाह, होप सब सारे अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए। मैं आपका साइको गर्ग आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जब हम गए थे गुमर फोर्ट और जिसको हम वॉचिंग टावर भी बोल सकते हैं, तो दोस्तों उस वीडियो पर अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक्चुअली वो था एक सिनेमेटिक व्यू था वहाँ पर और छोटा सा एक था जिसकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दी थी। इसे दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि रिसेंटली मैं अपनी फैमिली के साथ गया था बाबा बालकनाथ जी का टेंपल जो है देवर सिद्ध में हमीरपुर में। तो दोस्तों एक्चुअली जो देवर सिद्ध है वो इसलिए उसका नाम है क्योंकि जो हिल है वहाँ पे वो है देवरगिरी हिल, जिस पे जो भगवान जी की बाबा बालकनाथ जी की जो गुफा है वहाँ पे है। तो दोस्तों अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो जो देवर सिद्ध है वो हमीरपुर से 45 किलोमीटर है, कांगड़ा से 100 किलोमीटर है, ऊना से 73 किलोमीटर है और जो चंडीगढ़ है वहाँ से 157 किलोमीटर है। और जो टेंपल है दोस्तों वो वाटर लेवल से या सी लेवल से जो है 2421 फीट जो है अबव है। तो दोस्तों जहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि जो भगवान बालकनाथ जी का जो चिमटा है वो अभी भी वहाँ पर है और साथ साथ जो उनकी धुनी है जिसको हम धुना बोलते हैं वो भी वहाँ पर है। सो दोस्तों ये थी इसकी थोड़ी बहुत ज्योग्राफिकल नॉलेज आपको दी। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, जब बाबा बालकनाथ जी जब 3 साल के थे, जब वो चार धाम की यात्रा पर निकल चुके थे, एक प्लेस है यहाँ पर नियर अबाउट जिसका नाम है शातलाई। तो जब वो चार धाम की यात्रा पे गए थे तो वहाँ पे वो रुके थे और वहाँ पर उन्होंने 12 साल तक का टाइम जो है वहीं पर स्पेंड किया। तो उस टाइम क्या वहाँ पे एक रत्नो माँ थी या माई रत्नो बोल सकते हैं उनको हम, उन्होंने जो है उनका पालन पोषण किया। लेकिन एक दिन एनी हाउ रत्नो माई से कुछ ऐसे कटाक्ष मुँह से निकल गए कि अब बालकनाथ जी वो क्रोधित हो गए और उन्होंने वहीं पर ही बैठे बैठे अपने जो 12 साल की जितनी भी लस्सी थी और जितनी भी रोटियाँ थी वहाँ पे अपनी शक्ति से वहाँ पे सारे जो वहाँ पे वो प्रकट कर दी। और उसके बाद जो है वहाँ से वो उड़कर देवलगिरी के पर्वत है वहाँ पर जाके उन्होंने अपना, तो दोस्तों जब वो देवलगिरी पर्वत पे जाके वहाँ पे अगर बैठ गए, जब वहाँ पे वो अपनी साधना करने लगे, तो एक टाइम आ गया जब वो साधना में इतनी लीन हो गई कि वहाँ से वो जो अदृश्य होने लग पड़े। तो उनकी प्रेजेंस को वहाँ पे दीपक था रखा हुआ जो आज भी वहाँ आपको वहीं पर मिलेगा, जो जब जो जो दीपक है वो ये दिखाता है कि जो बाबा बालकनाथ जी है वो एक जिंदी जागती ज्योत है जो अभी भी खत्म नहीं हो सकते क्योंकि ये जो है शिव जी जी के ही एक अवतार थे। सो दोस्तों जो जगह है वहाँ से जो है श्री माँ नैना देवी और साथ ही साथ शातलाई की जो पहाड़ी है उसके सुंदर दर्शन होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बाबा बालकनाथ जी के जनरेशन वाइज या फिर हम बोल सकते हैं युगों के हिसाब से जो उनके नाम जो है वो अलग अलग है। जैसे जब वो सतयुग में थे उनका नाम था स्कान, जब वो त्रेता युग में आए तो उनका नाम हुआ कोल, जब वो द्वापर युग में आए तो उनका नाम था महाकोल और जब वो कलयुग में आए तो उनका नाम था श्री बाबा बालकनाथ जी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता था बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के बारे में। तो दोस्तों जो छोटी सी एक वीडियो जो मैंने कैप्चर की है श्री बाबा बालकनाथ टेंपल की वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों हाँ, मैं मानता हूँ कि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ड्यू टू कोविड-19 वहाँ पे वीडियो शूटिंग जो है वो अलाउ नहीं है। मैंने अपने रिस्क पे वहाँ पे जाके शूट किया है। दोस्तों अगर स्टेबल ना हो तो उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। बाकी आप वीडियो देखें और मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। चलो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं हम सिनेमैटिक वीडियो में।